सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मोनू झा और देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम करने वाले थे एक अपने माइक का इंतज़ार, जो कि काफ़ी पॉपुलर माइक है, उसका इंतज़ार करने वाले थे। तो वो हमारे पास आ चुका है और हमने उसको क्या है, काफ़ी दिन से इंतज़ार तो था ही, बट हमने उसको दो बार ऑर्डर किया तब वो आया। एक बार ऑर्डर किया, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, पता ही नहीं चला, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमने दोबारा ऑर्डर किया तब वो आया और काफ़ी टाइम ले लिया। और चलिए फिर हम बताते हैं कि कौन सा माइक है। और काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि वो सभी यूट्यूबर के पास रहता है वो माइक। तो हमने सोचा हमारे पास क्यों नहीं है, तो हमने भी वो ले लिया और हम काफ़ी खुश हैं। और हमने उसको चेक किया, देखा काफ़ी अच्छा है, तो हमने सोचा आपको भी बताया जाए इसके बारे में। तो ये रहा वो माइक, जो कि आप जानते होंगे इसके बारे में। ये है बोया का BY-M1 माइक, काफ़ी पॉपुलर है माइक। और इसकी वॉइस क्वालिटी की क्या ही हम बात करें, काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड करता है और जो आपकी नॉइस वगैरह है वो बिल्कुल कम कर देता है। और आपकी जो रियल आवाज़ है वो काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आती है। तो ये कम प्राइस में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसके बारे में हम क्या बताएं, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा भी है और उसके बाद हमने भी इसका टेस्ट किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं और इसकी डिटेल भी हम इसी वीडियो में आपको पूरा देंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो सपोर्ट करता है मोबाइल में और आपके टैबलेट में और लैपटॉप कैमरा DSLR वगैरह में, सभी में ये सपोर्ट करता है। काफ़ी अच्छा माइक है। और इसकी दूसरी बात है, इसकी जो केबल है ये काफ़ी दूर मतलब लंबी है, 20 फीट के आसपास केबल है इसकी, तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप DSLR में या फिर मोबाइल में, मान लो मोबाइल में अगर आप लगाए हों तो उसके बाद काफ़ी दूर से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें फीचर बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने भी लिया है। काफ़ी लोगों के पास क्या बोले, मतलब यूट्यूब पे जो भी है उनके पास, सभी के पास ये माइक है और काफ़ी अच्छा है, मतलब कम प्राइस में ये अच्छा है, इससे शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है, आपको भी बताते हैं। और हाँ, इसकी वॉइस क्वालिटी भी टेस्ट करके हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये वीडियो कोई ऑफिशियल अनबॉक्सिंग तो नहीं है, बट हाँ इसको हम अनबॉक्सिंग कर सकते हैं और आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। तो देखने को आपको कुछ ऐसा लगेगा, इस प्रकार का इसका बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए पीछे से, और ये ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद इसमें है एक बैग, जो कि इसमें माइक है नहीं, और इसके बाद ये खाली है, कुछ नहीं इसमें। तो इसके अंदर है एक यूजर मैनुअल, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि सबको नॉलेज है, तभी लोग यूट्यूब पे और वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं, तो इसको हटाइए। और ये इसमें मिला है वारंटी कार्ड, है नहीं, इसमें इंग्लिश और चाइना में लिखा है, क्योंकि ये चीन मेड इन चाइना का माइक है, बट क्या करना है, काफ़ी अच्छा माइक है। और हाँ, इसमें ये जैक मिला है, जो कि आपके मतलब DSLR वगैरह और कई प्रकार के कैमरे होते हैं तो उसमें क्या है, 3.5mm का जैक नहीं लगता, इस वजह से ये भी मिला है। 3.5mm का जैक यहाँ लगेगा और ये नोजल है जो जैक ये कैमरे में लगेगी, तब आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। ये कैमरे के लिए है बेसिकली, नॉर्मल में तो मतलब कैमरे उसमें फ़ोन में तो लग ही जाता है। और ये जो है इसमें, ये आपको दिख रही है, ये है इसमें सेल, जो कि सेल का भी हम बताएँगे। हाँ, सेल यूज इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप DSLR या अन्य किसी कैमरे में यूज कर रहे हो इसको, तो सेल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मोबाइल से ही वो 5 वोल्ट DC पावर लेता है, तो मोबाइल से ही मिल जाता है सारे, ठीक है। तो
इसको हम रखते हैं और बॉक्स खाली है और ये कुछ कार्ड वगैरह है गोया का लोगो है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसको ओपन करते हैं और ओपन ही है तो इसमें कुछ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये जो बैग है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है नहीं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेदर में है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है नहीं। तो ये बैग काफ़ी दिन तक चल सकता है, इसमें बैग काफ़ी अच्छा बैग है ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में और ये है ये है माइक जो कि इसकी वायर आप देख रहे हैं, वायर कुछ इस प्रकार से है, 20 फीट के आसपास इसकी वायर है लंबाई है नहीं, वायर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और ये इसका मैन है जो कंडेंसर वगैरह बोलते हैं इसको ठीक है, ये इसमें बारकोड दिया गया है और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है जो कि आपको दिख रही होगी। ये बटन है, अगर आपको कैमरे में चलाना है तो इस बटन को ऊपर रखें है नहीं, और अगर मोबाइल में इसको यूज करना है तो इस बटन को नीचे रखें क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। चलिए तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। और मैन है ये माइक क्योंकि कॉलर माइक है, काफ़ी अच्छा माइक है। और इसके ऊपर जो ये फॉर्म लगा हुआ है इससे क्या होता है कि जो वॉइस अपनी आती है और कभी कभी क्या है हवा वगैरह चलती है और कहीं आप जा रहे हो तो वो सब इसमें यहीं पर रुक जाती है क्योंकि इसमें छन के बिल्कुल क्लियर आवाज़ पहुंचती है इस वजह से। तो ये कॉलर है, ये कॉलर माइक है, आप यहाँ अपने कॉलर में इसको लगा सकते हो और अपने वॉइस को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो इस तरीके से। तो चलिए हम लगा लेते हैं और आपको क्या है इसकी वॉइस क्वालिटी भी हाँ बता देते हैं कि कैसी क्या आ रही है। तो इसको हमने यहाँ पे लगा लिया है और इसका जो स्विच मतलब 3.5 mm का जैक है ये हम अपने मोबाइल में लगा देते हैं। फिर इसके बाद आप बताना कि आवाज़ में कितना अंतर आया है। तो दोस्तों ये लग चुका है और अगर आप लोगों को आवाज़ में काफ़ी अंतर समझ में आ रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी अच्छी क्वालिटी का माइक है नहीं। तो और हाँ इसमें एक प्रॉब्लम और है, बट ये प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें क्या है इसी प्रकार के फेक भी आने लगे हैं मार्केट में, तो उससे आप बच के रहें। बचने का क्या है, इसमें ये बारकोड दिया गया है इसको आप स्कैन कर लें और एक एप्लीकेशन आता है उससे आप स्कैन करके इसकी जांच कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या नकली है नहीं। तो ये तो ओरिजिनल है क्योंकि हमने जांच करी थी इसकी और काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको इस माइक से आवाज़ अच्छी आ रही हो तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।